रे ये सबकी तरफ से शिवपति दुर्गा पूजा समिति शिवपति जन सेवा समिति पूरे मियां कपूर जयस लाइब्रेरी आप सबकी तरफ से ये 1100 रुपए का आशीर्वाद आया। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा 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 हमारे बड़े भैया दीपक पटेल जी आप तरफ से 100 रुपए हमारे लिए और 100 रुपए हमारे छोटू के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कहना पड़ा। रॉयल एनफील्ड 500 से थी, सामने हटो नहीं तो टूट जाएगी बत्ती थी। राजा ध्यान दो। आज मानव ना रावण से हल्का जीजा रहा नहीं जाता। आज मानव ना रावण से हल्का जीजा सूट तैयार बानी ललिता जीजा सूट पिन के तैयार बानी ललिता जीजा जो तहु का खाऊ बचाऊ मीन घर ही दिला दे हो तेरी मिलकी या ये चौकली तो ही का दिला दे हो अब तुम वीडियो सामने तो बना सकते हो। अरे नहीं आप बना बनाओ कुछ नहीं कहना। कैमरा चालू तो कर ले। अब बात चल रही जीजा की। बना लो आप बना लो बना लो बना लो बैटरी आए हो इधर। द्रौपदी कन्हैया लाल को पुकार रही है। पुकार रही है बोली भैया कहाँ हो। भैया आपके पांचों जीजा हमका जुआ में हार गए। हार गए तो देखो द्रौपदी बुला रही है। सारी सभा देखे खिंचती ये सारी खिंचती ये सारी। और कन्हैया आपने कहा था सारी के बदले में दूंगा मैं सारी। आपने सारी का किनारा बांधा है। बिल्कुल बेटे मैं सारी दूंगा सारी के बदले में दूंगा मैं सारी। अरे चूहे की राह निकस गए जीजा। ये तुम्हारे पांचों जीजा चूहे की रास्ता निकस गए। फस गए जीजा फस गए।
वाह, अरे फंस गए जीजा, फंस गए जीजा, शक्ल के पास नमा फंस गए जीजा, फंस गए जीजा, फंस गए जीजा, ओ शक्ल के पास नमा फंस गए जीजा, फंस गए जीजा, फंस गए जीजा, ओ शक्ल के पास नमा फंस गए जीजा, अरे फंस गए जीजा, फंस गए जीजा, लाल की जय। डॉक्टर साहब आदेश करें, क्या सुना दें, उसके बाद प्रमाण जो है सच्चा है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ मानती। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से कुछ सार्थक संदेश लेके जाएं। हंसना हंसाना तो जीवन का है ही है। तो आइए, हम बड़े आदर सम्मान के साथ, भाई रोशनी जी चाय पी रही हैं और चाय के लिए हम रोक भी नहीं सकते, न चाय पिलाने वालों को न पीने वालों को। ये हमारे यहाँ चाइना से हमने एक बात यही कही थी, चाइना से हमने कहा कि हम लोग चाय को हाँ कहते हैं, तुम चाय को ना कहते हो। तुम्हारी ससुरदास बटन जैसी आंखें हैं, हमारे देश पे गड़ाए बैठे हो। चाइना से हमने एक बात और कहा, हमने कहा कि सुनो, तुम्हारे यहाँ जो नेशनल हाइट है वो कितनी, बहुत छोटे छोटे लोग हैं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई हमारे जैसे ये 6 फुट का जवान मिल जाए, चाइना में एक तो 6 फुट का जवान मिलेगा नहीं, अगर बाई चांस मिल जाए तो समझ जाओ हमारे देश के पूर्वजों ने वहां तीर्थ यात्राएं की। हाँ, ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा। और हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं एक बात और चाइना से कहता हूँ कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते, इसलिए चाइना। और चाइना तेरे पास है क्या, सिर्फ चाइना वाल? चाइना से हमने कहा तेरे पास चाइना वाल, हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो, तुम देश की छुच्ची नहीं डीली कर सकते हो। हाँ, और तो और चाइना, तुम कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीजी खा जाते, पिज्जा बर्गर ये जो आजकल सब चला है, चाउमीन वगैरह, पूरी दुनिया यही खा रही है। कढ़ी फुलौरी के लिए लोग तरस रहे हैं। हाँ, ये स्थिति आ गई, यानी हमारा देश कहाँ से कहाँ आ गया। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग पहले क्या था, कहाँ से कहाँ हम आ गए। पहले आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता था, झोला रखता था, टैची रखता था, पूछता था दादी जी के क्या हाल हैं, बाबा जी के क्या हाल हैं, पिताजी के क्या हाल हैं। अब वो झोला रखता है और ये नहीं पूछता, कहता तुम्हारे यहाँ चार्जर तो नहीं है, हमारा मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया। ये स्थितियां हो गई कहां से कहां। हम 1947 से लेके 1947 तक आ गए, ये देश राष्ट्रपिता बापू से लेके बापू आसाराम तक आ गया, और देश का साहित्य निराला से लेके नरकंकाल तक आ गया। दो चार लोग हमारे लिए भी तालियां ठोक दो। तो ये कहां से कहां बदलाव आ गया। पहले क्या था, ये मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, 3-3 साल के बच्चे मोबाइल का हर फंक्शन जानते हैं। हम लोग अगर मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं मालूम तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये मोबाइल ने हर हाथों को काम दे दिया है, हर हाथ जो है खाली नहीं है। सब पिता है, पिता ऊपर कमरे में लेटा, बेटा नीचे लेटा है, और रात को 2:30 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हैं। बताओ रात को 2:30 बजे कौन गुड मॉर्निंग का मैसेज, और बैठे कमोड में, यानी गुड मॉर्निंग कमोड से होके आ रहा। ये स्थितियां हो गई, कितना बदल गया। पहले के था भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आते तो वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं इनकी कृपा धनुज रण मारे, मैंने राक्षसों का विनाश स्वयं नहीं किया है, गुरु वशिष्ठ की कृपा से किया। चरणों में भरत राम के चरणों में दंडवत गिरते, आजकल कोई चरणों में गिरता है। पहले पैर छुए जाते थे, चरण कमल छूते थे, अब यहाँ घुटने तक आ गए। कुछ तो केवल जांघे छू लेते, हम सोचते 10 साल बाद कहाँ छुएंगे, कहाँ लगाएंगे। ये देश कहाँ से कहाँ जा रहा। हमारे यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए।
हाँ, अब कुछ ज्ञान की बातें बता देते हैं। आदरणीय गिरिजा शंकर वर्मा जी, ग्राम प्रधान दिलावरपुर ब्लॉक डी, आपके 100 रुपये का जो हमको आशीर्वाद मिला है, बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको। यहाँ के प्रधानों के लिए कुछ कह भी नहीं सकते हम, क्योंकि सुरक्षित जाना है। हाँ, जो भी प्रधान के लिए कहेंगे, हम अपने गांव वाले प्रधान के लिए कहेंगे। हमारे गांव में एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ डॉक्टर साहब, तो ईटा निकला। घर वाले परेशान, कहा डॉक्टर साहब ईटा निकला है, तो डॉक्टर ने कहा जल्दी ले आओ, इसलिए ईटा निकला। देर करते तो खरिंजा निकलता, अगर और देर करते तो पूरा भट्ठा निकल आता। तो तालियां बजाइए, थोड़ा सा मस्ती में आ जाइए। ये स्थिति, अब लोग कहते प्रधान खा गए, प्रधानमंत्री। अरे खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? जो नहीं खाए पिए वो निकल लिए। खाना जरूरी है। नाली आई, प्रधान जी खा गए। नल आया, प्रधान जी खा गए। खरिंजा आया, प्रधान जी खा गए। अंत में लैट्रिन आती। ताली बजाओ ही न करो, यहाँ पे तालियां बजती पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा हुआ। थोड़ा सा आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कितना बदलाव हो गया। एक बच्चा था, छोटे क्लास में पढ़ता था। हमने उससे एक प्रश्न किया, हमने कहा बेटा दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करोगे? कहें दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करना, पी लो। छोटे छोटे बच्चों का जवाब देखिए। एक लड़के से हमने पूछा, यहाँ आया हम पहले आ गए थे अध्यक्ष जी के साथ, हमने कहा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा 9 साल। हम कहा पापा की उम्र? कहीं 9 साल। हम कहा मम्मी की उम्र? कहीं 9 साल। हम कहा तुम्हारे यहाँ सब 9 साल के हैं? उसने कहा आओ का जब हम पैदा हुए तभी मम्मी पापा बने, नहीं तो मियाँ बीवी रहे। ताली बजाओ अगर समझ में आ। इतने बच्चे होशियार हो गए। एक लड़के से हमने कहा बिजली कहाँ से आती? कहें बिजली हमारे मामा के यहाँ से आती। हम चौंक गए, हमने कहा बिजली तो पावर हाउस से आती, मामा के यहाँ से कैसे आती? कहें जब बिजली कट जाती है तो हमारे पापा कहते हैं फिर काट दिया साले ने, तो हम समझ गए कि जो मामा के यहाँ से आती। ऐसे ऐसे बच्चे हो गए। बच्चों से सवाल पूछो, गणित का सवाल पूछो, विज्ञान का सवाल पूछो, मास्टर लोग परेशान हो जाते हैं कैसे कैसे सवाल। एक लड़के से हमने गणित का सवाल पूछा रोशनी जी, हमने कहा बताओ 15 मजदूर एक तालाब की खुदाई 3 दिनों में करते हैं, तो 25 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो कहें गुरु जी तुम्हारा सवाल है गलत है, जब 15 मजदूर खुदाई कर लेते तो 25 लगाने का जरूरत? का नरेगा वालों का काम चल रहा, ये तो ताल को पाताल बनाना। तो छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ, अब ये सचदेवा की बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, अब इनको क्या जब गेंगटा मूड़ी नहीं, तो चलिए तालियां बजाइए। मैं रोशनी अंजान जी को बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आए। और बस इसी तरह हमारे श्रोताओं के मन माफिक धुने गाइए, और ऐसी धुन गाओ ऐसी पुरानी फिल्म की बार धुन गाओ जब पैदा नहीं भर रहा है संसार 70 दशक। क्या क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा, ये हमारे आदित्य जी एक उसकी बात कह रहे हैं। देखिए कुत्तों से हमने बहुत सीखा। यहाँ पे डॉक्टर साहब का प्रेम है जो हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग और हर मतलब क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए। ये संगठन देख के मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा। लेकिन ये बात हमने एकता कहाँ से सीखी? हमने कुत्तों से सीखी। एक कुत्ता भौंका, दूसरा चौंका, तीसरा और जोर से भौंका। मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है? उसने कहा चुप रहो, बिरादरी के सवाल है। तो जहाँ पे कुत्तों के अंदर इतना संगठन है, इतनी यूनिटी है, तो हम तो मनुष्य सीखना चाहिए। हम सारी चीजें जानवरों से सीखते, मनुष्यों से नहीं चलते। जब घर से चलते हैं तो हमारी बीवी कहती जान वहां जा रहे हो मियाँ, ये क्या नाम है गाँव का, जायस। तो हम कहा जान का है बोलते, कहीं जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट कह रहे हैं। हमने कहा रानी है ना कहो, तो बोली रानी को कहते हो। कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा, मतलब मैनेज करना चाहिए हर मामले में। आइए एक बार तालियां बजा करके मैं आदरणीय रोशनी अंजान जी को आमंत्रित करता हूँ आए और सुंदर सा सवाल जवाब और ऐसी धुनों का प्रयोग करो। अरे तुम कहाँ तक सुनोगे यार? चलिए अच्छा भाई, इनकी ये हमारे कानपुर के जितने कीर्तन कलाकार हैं, ये हमारी एक एक टिप्पणी को याद करते कहते यही सुनो।
हाँ तो वो भी सुना देंगे, एक और सुना देंगे बोनस में। हाँ जैसे ये कह रहे हैं बहुत ज्यादा, कभी कभी क्या होता है, हम अभी वहाँ एक कार्यक्रम में थे कीर्तन में, तो एक कीर्तनकार ने रोशनी जी इतनी लंबी कीर्तन गा गई, इतना लंबा गा दिया कि एक बैठा हुआ श्रोता चल बसा। जब श्रोता निपट गया तो उस कीर्तनकार के ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा देखो तुम्हारी लंबी कीर्तन सुन के एक श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कीर्तनकार ने कहा जज साहब वह कीर्तन आपो सुन लो, ताली बजाओगे समझ में आ। तो बहुत साठ में निपटाना चाहिए। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन होगा। एक लड़का उन्नाव का आया, उसने कहा मे आई कम इन सर, एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का लखनऊ का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ, तो एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। लेकिन एक लड़का यही जायज का था, ये जो आपका गांव है, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो वास्तव में जहां दो बूंद से काम चल जाए, दो बूंद जिंदगी के, जहां खीर बहुत अच्छी, तो क्या ना